लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत पते की बात बताऊं भाई, दरूद शरीफ मोहब्बत से पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, मैं भी और आप भी पढ़ो सल्लल्लाहु, मैंने आवाज नहीं आ रही, बोलो सल्लल्लाहु। एक बात बताओ, मोहब्बत से हम दरूद पढ़ते ना, हमने देखा नहीं, लेकिन अल्लाह की कसम फरिश्ते आए, फरिश्ते आए, जब हम दरूद पढ़ते फरिश्ते आते हमारा दरूद लेते हैं और शहरा से थोड़ी देर में मदीना मुनव्वरा पहुंचाते थे, बोलो, और सिर्फ पहुंचाते नहीं है, हमारे नबी के रोजे मुबारक पर वो दरूद लेकर जाते, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, वो शहरा वाला, वो शहरा वाला, वो उसका नाम ये है, उसके अब्बा का नाम ये है, उसका खानदान ये है, वो उन्होंने आपके ऊपर दरूद पढ़ा है और मोहब्बत से पढ़ा है। हमारे नबी फरमाते, लाओ मुझे दे दो, जाओ मेरी तरफ से उनको सलाम पहुंचा देना। ये कौन जो दरूद किससे पढ़े? अजय से, बगैर मोहब्बत के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आलम है, फरिश्ता दरूद तो लेता है लेकिन अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है, मेरे नबी से मोहब्बत नहीं, ऐसा ही पढ़ता है। वो फरिश्ता क्या करता मालूम है? ये गेट के बाहर भी नहीं ले जाता, यहीं पर मुंह पे मार के चला जाता है। तो हम पढ़ेंगे तो सही, लेकिन मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे। और कितनी मरतबा रोजाना पढ़ेंगे? अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि मोहब्बत के साथ पढ़ने का मतलब क्या, क्योंकि आज मोहब्बत, अभी मैं बोलूं कि सब लोग कह दो मुस्तफा का दामन, ऐसे नहीं था, बुलंद आवाज से बोलो ना, मुस्तफा का दामन। अच्छा, कौन कौन मोहब्बत करता हाथ ऊपर करे, हाथ ऊपर करे। और पहले भी मैंने शहरा में कहा था, आज भी कहता हूं, साथ में बोलो, हम मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, नहीं, मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते रहेंगे। कौन कौन तैयार है साथ में बोलो, मोहब्बत करते थे, करते थे, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। मैं मोहब्बत का मतलब समझा रहा हूँ, समझेंगे सब लोग मोहब्बत का मतलब। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनका नाम था चांद मियां रहमतुल्लाह अलैह, उनके हालात मिलते, बोलो क्या नाम, चांद मियां रहमतुल्लाह अलैह, बहुत जबरदस्त अल्लाह के वली थे। अच्छा, अल्लाह के वली भी बड़े अजीब अल्लाह के वली होते हैं। वो रात को सोए, सुनना बहुत प्यारा वाक्या, सुनना मोहब्बत का मतलब क्या है। वो अल्लाह के वली चांद मियां रहमतुल्लाह अलैह, वो रात को सोए ना, तो ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हम लोग भी ख्वाब देखते हैं ना, अरे हाँ या नहीं? यस। क्या दिखता ख्वाब में? मोबाइल खेल खेल के तो सोया है, तो एपिसोड दिखता है ख्वाब में। कितनी माए मेरे पास आती, क्योंकि मेरे पास तावीज का काम बहुत जोरदार, कितनी माए मेरे पास आती, माना है रात को मेरा बेटा चौंकता है, आह करके उठ जाता है, क्यों? क्योंकि वो मोबाइल में ठार 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 गोलियां मारता है, तो रात को उसको लगता है कोई मेरे को मारा था। अब माँ बोलती नजर लगी, मैंने कहा मोबाइल लगा। नजर नहीं लगती मौलाना, वो मोबाइल जो गेम है ना, गेम उसकी आदत लगती है। खैर, आप लोग नाराज तो नहीं ना अभी मेरे से, पहले ये वाक्या तो सुन लो, पहले बाद में हम करेंगे जो करने का होगा। अच्छा, आपको अभी तक मैंने कुछ कड़वा बोला तो नहीं ना? नहीं, अगर बोलूंगा तो आपको खराब तो नहीं लगेगा ना? हाँ बोलो, नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। नहीं होंगे तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, उखाड़ सकते तो सुधा करो ना भाई। मौना में क्या कह रहा था, अल्लाह के वली चांद मियां रहमतुल्लाह अलैह, चांद मियां याद रखो, उन्होंने ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। और एक मसले की बात भी बता दूं, देखो ख्वाब में शैतान कोई भी शक्ल लेकर आएगा, लेकिन हमारे नबी की शक्ल लेकर नहीं आएगा। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ख्वाब में मुझे देखा, यानी जिसने ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अल्लाह की कसम यकीनन उसने अल्लाह के रसूल ही को देखा, क्योंकि शैतान सबकी सूरत बना के ख्वाब में आ सकता, लेकिन हमारे नबी की सूरत बनाना अल्लाह ने उस पर हराम कर दिया है। क्यों मालूम है? क्योंकि शैतान सर से लेकर पांव तक गुमराह है, जलालत है, मेरे दोस्तों आखिरी दर्जे का शैतान है, वो सर से लेकर पांव तक गुमराह है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह सर मुबारक से लेकर पांव मुबारक तक अल्लाह ने रहमत ही रहमत बनाया है, तो रहमत और दलालत दोनों साथ में जमा नहीं हो सकती। तो मेरे प्यारो, ख्वाब में कोई भी शक्ल लेकर शैतान आएगा, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल लेकर, नहीं, साथ में बोलो ना, शक्ल लेकर,
खुद हमारे नबी ने फरमाया आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन रआनी फकअन्नमा रआनी ला यतमस्सलु शैतानु बी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा, हमारे नबी फरमाते जिसने मुझे ख्वाब में देखा यकीनन उसने मुझे ये ख्वाब में देखा इसलिए कि शैतान मेरी शक्ल नहीं बना सकता। शैतान कोई भी शक्ल बना के ख्वाब में आ सकता लेकिन अल्लाह ने मोहम्मद की शक्ल बनाना शैतान के लिए हराम कर दिया है। तो खैर वो चांद मियां रहमतुल्लाह अलैह रात को सोए ख्वाब में किनको देखा? अच्छा कैसा देखा मैं बता दूं, वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे, वो खाक में देख रहे अल्लाह के रसूल ऐसे तशरीफ ला रहे, अपना कदम मुबारक रखते जा रहे आगे बहुत प्यारी नूर से भरी हुई कुर्सी है उस पर जाकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। अब चांद मियां रहमतुल्लाह अलैह ने खाक में देखा कि मेरे नबी यहाँ मेरे बाजू में से गए और धीरे धीरे कदम रखते रखते आप वो कुर्सी पर जाकर बैठे। तो ये खाब में मौलाना चांद मियां खाब में वो सोचते कि मैं भी जाऊँ और जल्दी से जाके अल्लाह के रसूल की मुलाकात करूँ। भाई अल्लाह के वली है चांद मियां रहमतुल्लाह अलैह, सोचते कि जल्दी से जाके अल्लाह के रसूल की मुलाकात करूं। लेकिन ख्याल आता कि मेरे दोस्त मेरे बगल में रहते हैं और दोस्त का नाम है मौलाना कासिम नानोथवी। क्या नाम है? मौलाना कासिम नानोथवी। तो उनको भी लेकर जाओ क्योंकि वो भी तो नबी से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये ख्वाब में उनके दरवाजे पर गए और जाकर कहा मौलाना कासिम आओ, मौलाना कासिम बाहर आओ, अल्लाह के रसूल आए हैं और सामने नूर वाली कुर्सी है उस पर बैठे हैं। मौलाना कासिम नानोथवी भी जल्दी तैयार होकर आ गए, दोनों साथ में जमा हो गए, अल्लाह के रसूल सामने बैठे और नूर वाली कुर्सी पर बैठे। अब ये जो चांद मियां रहमतुल्लाह अलैह ना वो दौड़ते 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 सीधे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरा उम्मती आ जाओ, मेरा उम्मती आ जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में, वो ख्वाब में देखते अल्लाह के रसूल ने उनको गले लगाया और गले लगाकर कहा आओ मेरे बाजू में बैठ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा ख्वाब अल्लाह हमको भी नसीब फरमा दे, ऐसी मोहब्बत नसीब फरमा दे। कहां बिठाया उनको अपने? अच्छा मौलाना कासिम नानोथवी भी साथ में थे, वो धीरे धीरे आ रहे, धीरे 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 कदम कदम कदम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कहा ओ मेरे उम्मती कासिम तुम भी आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, मुआनका किया, गले लगाया और कहां बैठोगे? मौलाना कासिम नानोथवी ख्वाब में कहते हैं आप जहां बिठाओगे वहां मैं बैठ जाऊंगा। कहा आओ मेरी गोद में आके बैठ जाओ। मौलाना कासिम नानोथवी को कहां बिठाया? बोलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक गोद में। और चांद मियां रहमतुल्लाह अलैह को कहां बिठाया? तो चांद मियां रहमतुल्लाह अलैह धीरे से अल्लाह के रसूल को कह रहे मैं तो कैसा भागता भागता आया, आपने मुझे बाजू में बिठाया, ये तो बहुत देर से चलते चलते आए, इनको गोद में बिठाया। मैं भागता भागता आया, आपने मुझे बगल में बिठाया, बाजू में बिठाया और ये तो कितना धीरे धीरे मौलाना कासिम नानोथवी चलते चलते आए, आपने इनको गोद में बिठाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। बोलो सुभान अल्लाह। मुस्कुरा कर कहा हाँ तुम भागते भागते मोहब्बत में आए, मैंने तुम्हें बाजू में बिठाया और ये मेरे पाँव के निशान को देखते देखते उस पर पाँव रखते रखते आए। हमारे नबी ने फरमाया जो मोहब्बत में आता है मेरे बगल में आता है और जो मेरे पाँव के निशानात यानी मेरे नक्शे कदम चलकर मेरा उम्मती आता है उसको मैं अपने सीने से लगा लेता हूँ। मेरे प्यारो आज हम लोग भी इरादा करो, मोहब्बत का मतलब क्या है? एकदम आसान मतलब में बताओ, मोहब्बत है ना हमको नबी से? फिर एक मरतबा बोलो मोहब्बत करते हैं? मेरी आवाज नहीं आ रही, बोलो मोहब्बत करते हैं? करते हैं और करते हैं। मोहब्बत का आसान मतलब क्या है मालूम है? हर काम में नबी आगे, बोलो नबी आगे और हम जैसे मौलाना कासिम नानोथवी ने नबी आगे और उनके पाँव के नक्श पे चलते चलते पीछे, इसको कहते हैं मोहब्बत। तो चलो अब बताओ मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह? कितनी मरतबा दरूद पढ़ने का, कितनी फजीलत मैंने आपको बताई? पांच। एक और सुनेंगे, इसको मैंने थोड़ा रोक के रखा, सुनेंगे? बोलो सुनेंगे, ताकि मोहब्बत का मतलब बिल्कुल पक्का हो जाए। मोहब्बत का मतलब होगा हर मंजिल में मुस्तफा आगे। आवाज नहीं आ रही? मुस्तफा आगे। हम उम्मती आपको माँ बहने बैठी है आज आपका कंट्रोल है। मेरी बरकत, मैं तो डायरी में लिखा शेरानिया हूँ, यहाँ की औरतें बहुत डेंजर। वो मालूम था मुफ्ती साहब तुम इधर हो ना, ये मुफ्ती साहब क्यों बचे भाई?
मुरी मिसाल फंसे जा रहे हैं। मुफ्ती साहब एक सुनना, एक वाक्य सुनना, बहुत बड़ा अच्छा वाक्य। जिन्नत विन्नत को देखे हो आप लोग? देखना है मौना, जाओ घर में जाओ, दिख जाएगा आपको। मौना क्या हुआ मालूम? आदमी गाड़ी चला रहा, मुफ्ती साहब आप भी चला दो आप ड्राइविंग नहीं? अच्छा तो आपका भी उन पे जाने। गाड़ी चला रहा था एक आदमी, हस्बैंड शोहर गाड़ी चला रहा था, अकेला गाड़ी में बैठ के फुल स्पीड पे जा रहा था। सामने अचानक गाड़ी आ गई, बड़ी जोर से ब्रेक मारा, बचा। अगर ये ब्रेक नहीं लगी होती तो खत्म। मानो मैं ब्रेक मार के हा किया, पीछे से जिन्नत की आवाज आई, ए मैंने बचा दिया, मैंने बचाया, बाकी अभी ठोकर मारता ना तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाते। तो उसने यूं जिन्नात की तरफ देखा, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, नहीं तो सही में मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाते। अच्छा एक महीना गुजरा, वही आदमी रास्ते में दौड़ रहा था, उसको नहीं मालूम आगे खड्डा है। अब हमारे हिंदुस्तान में तो आपने देखा जगह जगह खड्डे बना दिए थे। अब वो भागा दौड़ रहा था, सामने खड्डा, एकदम बिल्कुल खड्डे के अंदर जा रहा था, और अपने आप को कैसे भी करके उसने रोका, और रोक के लंबी सांस लिया कि अगर गिर जाता तो मालूम नहीं कहां जाता। पीछे से फिर जिन्ना किया, मर जाता, मैंने पकड़ लिया। बाकी एक पाँव तो अंदर चला गया था, दूसरा पाँव जाने वाला था, मैंने खींच लिया। इसने क्या कहा? जज़ाकअल्लाह, बहुत अच्छा, शुक्रिया भाई, थैंक यू, मेरी जान बच गई। अब तीसरी मरतबा वो क्या हुआ, कहीं बिल्डिंग पे चढ़ के कुछ कलर कर रहा था, अब कलर करते करते उसका हाथ छूट गया, अब वो फिसला, अब वो सीधा बिल्डिंग में से सीधा नीचे गिरने वाला था। अचानक कोई पाइप नजर आ गया, जैसा देखो ये पाइप है ना, ऐसा कोई पाइप नजर आ गया, उसने पाइप को पकड़ लिया, बच गया, वरने नीचे गिर। फिर उसकी आवाज आई, किसकी? आपकी नहीं, सब आपकी तरफ देख रहे। वो कोई जिन्ना दिन्ना की आवाज आई, बच गया, वरना गिरता बिल्डिंग के नीचे टुकड़े टुकड़े हो जाते, कीमा हो जाता तेरा। आज उसने जज़ाकअल्लाह नहीं बोला, गुस्से हुआ, कहा तू बड़ा अजीब जिन्नत है, एक्सीडेंट हो रहा था तब मेरे को तूने बचा लिया, फिर मैं खड्डे में गिर रहा था तब तूने मेरे को बचा लिया, अरे बिल्डिंग में से गिर रहा था तूने मेरे को बचा लिया। तो कमबख्त शादी के दिन कहाँ था? शादी ना दिवस से तू कहाँ हो? तो समझ में मुझे नहीं, नहीं समझ गया, मैं तुमको कल समझा देना। मतलब माँ बाप को एक फिक्र होती है। बस मदीने पाक में ऐसा ही एक वाक्य आया, एक बेटी का नाम है हजरत फातिमा। बोलो क्या नाम है? यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी नहीं, एक और फातिमा की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके अब्बा का नाम है कैस। बोलो अब्बा का नाम कैस, यानी फातिमा बिनते कैस। सुनना वाक्य सुनना, ये भी कुछ 18-19 साल की बच्ची हो गई। घर वाले बड़ी फिक्र में रहते थे कि हमारी बेटी खूबसूरत है, खूबसीरत है, अच्छे अखलाक वाली है, कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, रिश्ते आए तो दो साथ में आए। बोलो रिश्ते कितने साथ में आए? दो। एक तरफ से रिश्ता आया हजरत उसामा, बोलो कौन? हजरत उसामा। और एक तरफ से रिश्ता आया हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ का। अब हजरत उसामा जो रिश्ता आया ना, वो गरीब शरीफ आदमी थे, छोटा मोटा मकान था, मकान का बराबर छप्पर भी लगा हुआ नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ से जो रिश्ता आया, ओहो, बोलो कौन? हजरत अब्दुलरहमान इब्न औफ, जो मदीने के नंबर वन के मालदार थे, जिनका बड़ा कारोबार है, बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, जमीन है, गुलाम है, बादिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नबी ने 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी। उन 10 सहाबा में हमारे नबी ने हजरत अब्दुलरहमान इब्न औफ को भी जन्नत की बशारत दी। मतलब है कि अब अकल बताओ, आप बताओ अकल क्या जा रही है, किसके साथ निकाह होना चाहिए, उसामा के साथ या अब्दुलरहमान इब्न औफ के साथ? क्योंकि उसामा गरीब है और हजरत अब्दुलरहमान इब्न औफ मालदार है और कारोबार है, इनका तिजारत है, इनकी बिजनेस है, इनकी जमीन है, इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी जायदाद है, इनके पास गुलाम है, इनके पास बांदिया है, इनके पास सवारियां है। और ये 10 सहाबा में जन्नत की बशारत वाले, तो अकल कहती है किसके साथ निकाह होना चाहिए? अरे बोलो ना, इधर हजरत उसामा और इधर हजरत, घर वालों ने आपस में मशवरा कर लिया कि अपनी बेटी फातिमा का निकाह कराएंगे तो हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ के, क्योंकि सारा चीज तो दुनिया और आखिरत अल्लाह ने उनको दी है। लेकिन वो जो घर के जो बड़े बड़े वडील जमा होते ना,
जिसमें अब्बा भी होंगे, अम्मा भी होगी, खाला भी होंगे, खालू भी होंगे, फूफा भी होंगे, फूफी भी होंगी। जब सब जमा हो गए ना तो आपस में इन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे बात करें अब्दुल रहमान इब्ने औफ की, कोई जाकर बेटी को तो पूछे, अरे फातिमा को तो पूछे कि दो दो रिश्ते आए हैं उनका दिल क्या बोलता है। अब वो सारे घर वाले हजरत फातिमा के पास आए और कहा बेटी बेटी बहुत मुबारक हो, आज तो तुम्हारे दो दो रिश्ते आए हैं, एक उसामा का रिश्ता आया है, एक अब्दुल रहमान इब्ने औफ का रिश्ता आया। और साथ में ये भी कह दिया वो जो उसामा आए ना वो बहुत गरीब है, वो बहुत, और अब्दुल रहमान इब्ने औफ है वो कैसे है, बहुत मालदार। तुम्हारा इरादा कहाँ है? फातिमा ने पूरी बात सुनी, कहा वो घर वालों ने कहा उसामा नहीं, तो कहा अब्दुल रहमान इब्ने औफ नहीं, तो कहा बेटी शादी नहीं करना, नहीं शादी तो करना है, तो बेटी दो दो रिश्ते आए, तुम दोनों रिश्ते को मना कर रही हो, उसामा को भी ना कह रही हो, अब्दुल रहमान इब्ने औफ को भी ना कह रही हो। मैं आपको बता रहा हूँ मोहब्बत किसको कहते हैं। हजरत फातिमा कितने साल की, 18-19 साल की जवान लड़की, क्या जवाब देती है? जवाब देती है मेरी शादी का मामला है, मेरी शादी का मामला है, दीन का मामला है, और शादी करना मेरे नबी की सुन्नत है। मैं नहीं कहूंगी कि उसामा के साथ मुझे निकाह करना है, मैं ये भी नहीं कहूंगी अब्दुल रहमान इब्ने औफ के साथ निकाह करना है, मेरी मर्जी पीछे होगी। जाओ मेरे नबी को दोनों पैगाम बता दो, मेरे नबी जहां कहेंगे वहां निकाह होगा, नबी की मर्जी आगे होगी, फातिमा की मर्जी पीछे होगी। सारे घर वाले हैरान, चलो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाए। अब घर वाले जब जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए ना तो मामले को एकदम, हजरत उसामा के मामले को एकदम, हाँ अल्लाह के रसूल वो उसामा का पैगाम आया है लेकिन हमारे घर वालों की मर्जी नहीं, पहले ही कह दिया हमारे घर वालों की मर्जी, और फिर वो घर वालों ने कहा अल्लाह के रसूल अब्दुल रहमान इब्ने औफ का भी पैगाम आया है, आपने उनको जन्नत की बशारत दी है, उनका बड़ा कारोबार है, बिजनेस है, उनकी जमीन है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, अल्लाह के रसूल हम चाहते कि हमारी बेटी का निकाह वहां हो जाए ताकि हमारी बेटी सुखी रहे। कौन बाप चाहता होगा कि बेटी सुखी न रहे, कौन माँ चाहती होगी कि बेटी सुखी न रहे, हम चाहते कि अब्दुल रहमान इब्ने औफ के साथ निकाह हो जाए। अच्छा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब मामला आया तो हमारे नबी ने पूछा फातिमा की मर्जी क्या है, आपकी बेटी फातिमा? हाँ उनकी मर्जी कुछ नहीं है, उन्होंने कहा मेरी मर्जी पीछे है, मुस्तफा की मर्जी। तो हमारे नबी की आंखों में आंसू थे, कुछ नहीं कहा, थोड़ी देर खामोश रहे, उसके बाद में हमारे नबी ने फरमाया सुनो अब जबान मेरी होगी, फैसला अल्लाह का होगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो जुबान मेरी होगी, फैसला अल्लाह का होगा। वमा यन्तिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ज़बान मुस्तफा की होती है, फैसला अल्लाह का होता। अच्छा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे अनवर को उठाया और उठाने के बाद कहा सुनो सुनो जो फातिमा के बारे में मुझसे मशवरा करने आए हैं, मैं मुस्तफा की ज़बान है, अल्लाह का फैसला है, फातिमा का निकाह उसामा के साथ होगा। किनके साथ होगा? अब घर वालों के चेहरे कैसे हो गए, खुश होंगे, सबके चेहरे उतर गए। और घर वालों ने आपस में क्या कहा, चलो यहाँ से चलो, हम अपनी बेटी का दिल, हम अपनी बेटी को मना लेंगे। चलो सब घर वाले गए फातिमा के पास गए और जाकर कहा बेटी फातिमा देखो हम गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उन्होंने उसामा का नाम लिया लेकिन ये तेरी माँ है ना, माँ का दिल नहीं चाहता, मैं तेरा बाप हूँ ना, मेरा भी दिल नहीं चाहता, हम चाहते कि तुम्हारा निकाह अब्दुल रहमान इब्ने औफ के साथ हो जाए। वो अलग बात है, हमारे नबी ने भी यही कहा कि उसामा के साथ निकाह होना, लेकिन हम पूरे घर वाले जितने बड़े हैं हम सबका दिल चाहता है कि निकाह अब्दुल रहमान इब्ने औफ के साथ हो। सुनना बेटी ने क्या जवाब दिया, 18-19 साल की बच्ची ने क्या जवाब दिया। अब तो दो ही ऑप्शन है, कितने ऑप्शन, दो, या तो उसामा के साथ मेरा निकाह होगा या हम सब जहन्नम में जाएंगे। तो घर वाले हैरान, क्या कह रही हो, वहां अब्दुल रहमान इब्ने औफ है। तो बेटी ने कहा अब्दुल रहमान इब्ने औफ की बुराई नहीं करती, वो तो जन्नती है, वो तो अशरे मुबशरा में है, वो बहुत बड़े हैं, इस वक्त मेरा मामला ऐसा है या उसामा या, क्योंकि मेरे नबी ने नाम किसका बताया, उसामा। तो मेरे नबी का हुक्म आगे रखो, हम पीछे रहेंगे, जन्नत में जाएंगे, और अगर हमने उसामा के अलावा किसी और से निकाह किया तो मतलब हुआ कि हमारी मर्जी आगे और मुस्तफा की मर्जी, और याद रखना मुस्तफा की मर्जी पीछे होगी तो जहन्नम। बोलो मुस्तफा की मर्जी पीछे होगी तो
जहन्नम। ये कुरान है, वो लड़की 18 साल की हजरत फातिमा, वो कहती है कि देखो अब मुस्तफा की मर्जी को पीछे मत डालना। अल्लाह ने फरमाया वमा कान लिमुमिनु वला मुमिना इदा खदल्लाहु व रसूलुहु अमरा अय्यकुन लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यासिल्लाहा व रसूला फकद ज़ल्ला ज़लालम मुबीना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई ईमान वाला मर्द होगा या ईमान वाली औरत होगी, साथ में बोलो शहरा वालों, हम सबकी मर्जी, आवाज नहीं आई, हम सबकी मर्जी अल्लाह रसूल की मर्जी तो जन्नती, और अगर हमारी मर्जी आगे हो गई और अल्लाह रसूल की मर्जी पीछे हो गई तो अल्लाह ने कह दिया हम जहन्नमी होंगे। वो 18 साल की बेटी कहती है अब उसामा या तो जहन्नम है। मालूम है क्या हुआ, घर वाले सब समझ गए, कहा बेटी तेरी बात समझ में आ गई, हम जहन्नम में जाना नहीं चाहते, तेरा निकाह उसामा के साथ होगा। अभी तो घर वाले मशवरे कर रहे कि तेरा निकाह उसामा के साथ होगा, मुस्तफा की मर्जी आगे होगी, हमारी मर्जी पीछे होगी, हम जहन्नम में जाना नहीं चाहते। किसी ने दरवाजा पर खिटखिटाया, सब दरवाजे पर गए, देखा खुद जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद, और हमारे नबी फरमाते रास्ता कर दो, निकाह उसामा के साथ होगा और निकाह पढ़ाने वाले खुद मोहम्मद मुस्तफा होंगे। बोलो ना सल्लल्लाहु। तो बीवी की मर्जी पीछे, बच्चों की मर्जी, समाज पीछे, सोसाइटी, हमारे यहाँ सोसाइटी का बड़ा कम्युनिटी और सोसाइटी और समाज। अभी हमारे शहर में शादी होने वाली हो, ओहो हम वहां नहीं सर धूम मचता, नहीं ऐसा धूम मचता, मंडप मंडप लगता, वीडियो वाले आते, फोटोग्राफर ही होती है, औरतें और मर्द साथ में जमा होते हैं, और बेचारे के पास घर में खाने के लाले पड़े होते, कर्जा लेकर आता है और ये खाना लगता है और ये टेबल लग रहा है, कुर्सियां लग रही, दाल आ रही है, चावल आ रही है और गोश्त आ रहा है, और मालूम नहीं कितना शान और शौकत हो रहा। अरे कोई उसको समझाता भी है, अरे भाई इतना खर्च करने की क्या जरूरत है, शरीयत ने कहा है कि निकाह सादगी से होना चाहिए। तो क्या कहता हो, तो मेरे को भी मालूम है एकदम सादा सादा होना चाहिए, लेकिन क्या करे अब रहते सबके में तो नाक तो रखनी पड़े ना, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी, तो कमबख्त नाक इतनी लंबी काय को रखता है। आराम से बोलेगा वो क्या है ना मौलाना निसार साहब, और मेरे को भी मालूम है, मैं भी जमात में गया हूँ, मेरे को भी मालूम है कि एकदम सादगी के साथ निकाह, लेकिन क्या है कि वो समाज है, सोसाइटी है, कम्युनिटी है, फिर अपनी नाक कट जाती तो अच्छा नहीं लगता, बाद में जाके लड़की को ताना मारेंगे। मेरे प्यारो एक बात समझ लो, हमने समाज की मर्जी को आगे कर दिया और मुस्तफा की मर्जी को पीछे कर दिया। मेरे दोस्तों ये हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं, क्या है ये किसकी मर्जी आगे हो रही है, किसकी मर्जी आगे हो, अल्लाह को हाजिर हाजिर रखकर बताओ कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर दाढ़ी है कहा, और हमारे हजरत अबू बकर के चेहरे पर दाढ़ी है, हजरत उमर है, हजरत उस्मान है, हजरत अली है, हजरत हसन है, हजरत हुसैन है, अरे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, साबिर पाक कलियरी है, हजरत जुनेद बगदादी है, अरे मेरे दोस्तों ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह है, ख्वाजा शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है। अल्लाह की कसम कोई वली वली नहीं बनता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा, ये यहाँ देखो बहुत सारे बुड्ढे बुड्ढे भी लुकिंग हैंडसम। क्या मतलब दाढ़ी नहीं रखने, ए सुनो सुनो, दाढ़ी नहीं रखने वाला खुल के कुछ नहीं बोलता, अंदर से आवाज आती है आज के जमाने की मेरी मर्जी बोलो आगे और मुस्तफा की मर्जी पीछे। मेरे प्यारों हाथ जोड़कर आपसे भीख मांगता हूं, आज से तय कर लो, अपनी जिंदगी में तय कर लो, हर कदम में हर लम्हे में बोलो मुस्तफा आगे और हम पीछे। मेरे प्यारो दरूद शरीफ पढ़ोगे रोजाना, मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कितनी मर्तबा पढ़ेंगे, कम से कम 100 मर्तबा, कितनी फजीलतें आपको मालूम हो गई, यानी साथ में बोलो ना कितनी फजीलतें मालूम हो गई, 5। आखिरी फजीलत भी सुन लो जो बहुत प्यारी फजीलत है, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई भी उम्मती रोजाना 100 मर्तबा दरूद पढ़े। सुनना हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरा कोई भी उम्मती मर्द हो या औरत हो रोजाना 100 मर्तबा दरूद पढ़े अरे जन्नत में तो जाएगा। 5वीं फजीलत आपने सुनी, जन्नत में तो जाएगा, मगर जन्नत में कहां जाएगा, सहाबा ने पूछा
पहुंचा अल्लाह के रसूल 100 मर्तबा दुरूद पढ़ने वाला जन्नत में तो जाएगा, मगर जन्नत में उसकी मंजिल कौन सी होगी? हमारे नबी ने फरमाया कयामत के मैदान में जन्नत में जहां शहीदों को खड़ा किया जाएगा, जहां शहीदों को खड़ा किया जाएगा, 100 मर्तबा दुरूद पढ़ने वाला भी जन्नत की उसी मंजिल में होगा। और यानी कहां पर होगा मालूम? जहां हमारे नबी के चचा हजरत हमजा, जहां नबी के नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, जहां नबी के चचा होंगे, जहां हजरत हुसैन होंगे, जहां हजरत अम्मार होंगे, जहां हजरत यासिर होंगे, जहां हजरत जैद होंगे, जहां हजरत खुबैब होंगे, मालूम नहीं कितने बड़े बड़े सहाबा जो शहादत की मंजिल को पहुंचे हैं, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला भी वही जन्नत के एरिया में होगा। और वो अल्लाह को कहेगा भी अल्लाह में तो शहीद नहीं हुआ था, अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा शहीद नहीं हुआ था, मेरे मुस्तफ़ा पर 100 मरतबा दरूद पढ़ता था, जो मरतबा मैंने शहीदों को अता किया वही मरतबा मैंने तुझको भी अता कर दिया। तो मेरे प्यारो अब वादा करो, पक्का वादा करो, आज तक आपने दरूद पाक की फजीलत को सुना नहीं, आज अल्हम्दुलिल्लाह सबने बैठ कर इकट्ठा सुना, तो वादा करो कि हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वरना वो हजरत बहलूल और हारून रशीद वाला मामला होगा, एक दीनार में जन्नत नहीं खरीदी और उसके बाद जन्नत खरीद न सके, हम भी दरूद शरीफ अभी पढ़ ले, फजीलत मिल गई। कब से शुरू करोगे? अभी से, आज रात से शुरू इंशाअल्लाह। सोने से पहले कितनी मरतबा और कल कितनी मरतबा? 100। क्योंकि मौत आ जाएगी फिर कुछ मालूम नहीं। मेरे दोस्तों मालूम है, मौत आएगी तो बोलकर आएगी नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आ जा रहा हूँ, क्या करूंगा मैं? आप लोग क्या करोगे? कोई कहेगा कारी अहमद अली, कारी अहमद अली, ओ गया हो तो गया। मालूम है एक मरतबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, मौलाना मुफ्ती हारून साहब, एक मरतबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, साहब इकराम का मजमा बैठा है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मौत के बारे में क्या खाया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ओ मेरे साहबा बताओ मौत के बारे में क्या ख्याल है? एक साहबी कांपते कांपते खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल मेरा यह ख्याल है, मैं सुबह करता हूँ मुझे यकीन नहीं होता कि मैं शाम करूंगा, मैं शाम करता हूँ मुझे यकीन नहीं होता मैं सुबह करूंगा, बस एक मौत 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 सामने है, सुबह करूं तो डर लगे कि शाम नहीं करूंगा, और शाम करूं तो डर लगे कि सुबह नहीं। अच्छा अच्छा ख्याल है कि नहीं? अरे आप लोगों से पूछता हूँ अच्छा ख्याल है ना? हमारे नबी ने के फरमाया नहीं, वो एक और अच्छी बात बताओ, वो एक और अच्छी बात बताओ। मानो में एक सहाबी और खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल मुझे तो मौत इतनी करीब लगती है, इतनी करीब लगती कि जब मैं अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करता हूँ मुझे डर लगता है मैं सलाम फेरूंगा या नहीं फेरूंगा, यानी मैं मौत को इतना करीब समझता हूँ कि जब भी नमाज के लिए खड़ा हो जाऊं, फर्ज होवे, सुन्नत होवे, नफल होवे, वाजिब होवे, जब मैं कहता हूँ अल्लाहु अकबर मुझे ऐसा लगता है कि नमाज में कहीं मौत आ जाएगी, अस्सलामु अलैकुम कहने से पहले मेरा इंतकाल हो जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया कोई और अच्छी बात बताओ। तो सहाबे किराम कहने लगे अल्लाह के रसूल आप बताएं मौत के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारे नबी जिनके बारे में अभी मैंने कहा कि अल्लाह के बाद जिनका मकाम है वो हमारे आका, बोलो मोहम्मदुर, सब उनके गुलाम, बोलो सब उनके गुलाम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा आपका क्या ख्याल है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भराई, आंखों में से आंसू आए, फरमाया मौत के बारे में मेरा ये ख्याल है कि मैं जब पहला सलाम फेरता हूँ मुझे डर लगता है कि दूसरा सलाम फेरूंगा या उससे पहले मौत आ जाएगी, पहला सलाम फेरता हूँ डर लगता है कि दूसरा सलाम फेरूंगा या उससे पहले मौत आएगी। और आपको मालूम एक मरतबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा मुबारक यानी पेशाब मुबारक के लिए गए, उसके बाद हमारे नबी वहां से चले, 10 कदम के ऊपर पानी है, बोलो 10 कदम पर पानी, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इस्तिंजा फरमाते बोलो फौरन वजू, फौरन वजू। आप हर हाल में ताहिर मुताहिर मुताहर, आप जहां इस्तिंजा फरमाते फौरन, अब 10 कदम पर वहां पानी रखा है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां जाके वजू करना, हमारे नबी इस्तिंजा फरमाए, लोटे को किनारे पर रखा और जमीन पर तयम्मुम करने लगे, जमीन पर बोलो तयम्मुम, यू हाथ मार के जमीन पर तयम्मुम करने लगे। तो जो सहाबे किराम थे कहने लगे अल्लाह के रसूल तयम्मुम क्यों कर रहे, पानी तो मौजूद है और पानी मौजूद हो तो तयम्मुम करने की जरूरत नहीं है, आप 10 कदम मुबारक आगे बढ़ाएंगे आपको वहां पर पानी मिल जाएगा, आपको तयम्मुम करने की जरूरत नहीं है। हमारे नबी ने कितने प्यार से फरमाया, क्या फरमाया, क्या मालूम वहां तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा,
अगर मौत इस हाल में आ गई तो बगैर वजू के मैं अल्लाह के दरबार में जाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ तयम्मुम कर लिया, आगे जिंदगी रही तो आगे जाके वजू भी कर लूंगा। मेरे दोस्तों, हमारे नबी मौत को इतना करीब समझते थे, और हम लोग मोबाइल पर मौलाना एक बात मैं बताऊँ, ये मर्द तो मर्द, लेकिन हमारी औरतें मोबाइल पर, माँ बहने बेटियाँ, अल्लाह अकबर। ये रमजान महीना, कौन सा महीना? तो रमजान महीना, सुबह सुबह सुनना, हमारी सुबह कैसे हुई रमजान में भाई, माशाल्लाह। आप लोगों को भी कह रहा हूँ, सबने बहुत सारे लोगों ने तहज्जुद पढ़ी होगी, पढ़ी? अरे हाँ बोलो ना, पढ़ी, क्योंकि रमजान में उठते सहरी के लिए, तो 2 रकात 4 रकात 6 रकात 8 रकात तहज्जुद पढ़ लेते। अच्छा, सबने सहरी भी की? हालांकि शहरी में मौना बहुत जगह देखा, कड़ी खिचड़ी और खाना का पूरा खाना खा जाते, यानी रमजान के बाहर जितना नहीं खाता उतना कम वक्त रमजान में खा जाता है। हम मुफ्ती साहब, होता कि नहीं होता? चलो, शहरी भी की आपने, फजर की नमाज पढ़ी जमात के साथ, क्योंकि हर मस्जिद में आपने देखा होगा कि शहरी फजर का वक्त शुरू होता है, फौरन अजान हो जाती है, 2 रकात सुन्नत 2 रकात फर्ज, यानी बिल्कुल सबको एकदम फारिग कर देते, जाओ सब जाके सो जाओ, क्योंकि कोई रात का 3 बजे का उठाए, कोई रात का 4 बजे का उठाए, कोई हमारी माँ बहन बेचारी रात को 2:30 बजे की उठी है, चलो सब जाके सो जाओ। फजर के बाद पूरे घर में आपने देखा होगा, पूरे शहर में देखा होगा, एकदम सन्नाटा छा गया। अब हर एक की अपनी अपनी दुकान का टाइम, कोई 9 बजे उठेगा, कोई 10 बजे उठेगा, कोई 11 बजे उठेगा, कोई 12 बजे उठेगा। चलो हमारी माँ बहन बेटी वो भी घर में, कोई 9 बजे कोई 10 बजे, पहला काम क्या करते? नाश्ता तो करना नहीं, पानी तो पीना नहीं। मेरे को भी किसी ने कहा, मौना ये जानबूझ के खावे तो रोजा टूट जाता, मैंने कहा टूट जाता, और जानबूझ के पीवे मेरे कहा तो भी रोजा टूट जाता। तो कहा कुछ ऐसा है कि खावे पीवे और रोजा नहीं टूटे? मैंने कहा भूल के खा ले तो रोजा नहीं टूटता। कहा नहीं, जानबूझ के खा ले, जानबूझ के पी रहे हो रोजा। मैंने कहा एक जगह है, जानबूझ के खाओ, जानबूझ के खाओ और जानबूझ के पियो रोजा। कहा वो कौन सी जगह? मैंने बीवी की डांट खाओ और जब वो डांटे तो गुस्सा पियो, और ये सब जानबूझ कर ही होगा? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने सहरी की, सहरी करके फजर की नमाज पढ़ के सब सो गए। चलो हमारी माँ बहन बेटी, हमारी मोहतरमा माँ, हमारी मोहतरमा बहन, हमारी मोहतरमा बेटी, बहुत बहुत प्यारी बेटी हमारी, सुबह 9 बजे 10 बजे 11 बजे हम सब की सुबह हुई रमजान में, पहला काम क्या? नाश्ता किया? नाश्ता कैसा करेगा, रोजा है वो वहां से निकालेगा चार्जर में से क्या है? और हमारी माँ बहनों की स्टाइल, अब मुझे निशान ये दुपट्टा भी रखा होगा, दुपट्टा के अंदर मोबाइल अटकेगा, मोबाइल इधर और इधर हाथ में चमची और इधर किचन में, और खाना भी पक रहा है और साथ में बातें, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या बातें होंगी मालूम? बातें क्या होगी? वो पूछेगी, ओ फातिमा, और ऐसा पागल जैसा सवाल जो सवाल करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो जिससे बात कर रही हो सकता है वो सूरत में, हो सकता है कि वो लुनावाड़ा में हो सकता है कि वो गोधरा में हो सकता है कि वो बंबई में हो, और उससे बात में बात क्या करेगी मालूम है? आज रोजा रखा बहन? नहीं, तेरे को पूछने आने वाली है। फिर दूसरा सवाल क्या होगा? शहरी में क्या बनाया? नहीं, भूखी सोई। फिर तीसरा, अब इफ्तारी में क्या तैयार होगा? जो भी होगा, समोसा वमोसा जो बोलना है। मैं बोलता हूँ ठीक है, ये सवाल में कोई दम नहीं था, लेकिन फिर भी सवाल जायज, बोलो सवाल जायज। उसके बाद जो हमारी माँ बहन का सवाल होता है ना, वो ये होता है, वो रुकैया की क्या खबर है? अब शुरू, इतनी बुराई, रोजा की हालत में, यहाँ पर मोबाइल अटका हुआ है दुपट्टे के अंदर, यहाँ हाथ में चम्मच है, अपने घर वालों की खिदमत कर रही है। अरे वो औरत बहुत ही मुबारकबाद है जो अपने अपने शोहर के लिए, अपने बच्चों के लिए इफ्तार का सामान तैयार कर रही है। और कितने लोग तो बिचारी हमारी माँ बहन इफ्तार का सामान तैयार करती है गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, लाचारों के लिए, बहुत मुबारक है। लेकिन यहाँ मोबाइल में रुकैया की जो बात चली, फिर क्या करेंगे मालूम? चलो मेरे को भी खाना पकाना है, तेरे को भी पकाना है, और रोजे में ज्यादा बुराई नहीं करने का, चलो सगावा देखो। आधा घंटा बुराई हो गई। आपको मालूम है ये जो हमारी माँ बहन ने जब मोबाइल दुपट्टे में से निकाला ना, अल्लाह की कसम मोबाइल निकालने में देर हुई, उससे पहले अल्लाह ने रोजे को कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया अलगीबा तुफसिदु
अस्सौम। हमारे नबी ने फरमाया पीठ पीछे बुराई करोगे तुम्हारा रोजा बर्बाद हो जाएगा। वो मोबाइल दुपट्टे में से निकलने में देर हुई मगर रोजे के बर्बाद होने में देर नहीं हुई, बल्कि बाज़ उलमा तो कहते गीबत करने से अल्लाह पूरे रमजान को बर्बाद कर देता है। लेकिन चलो अब तो रमजान, रमजान के बाद भी ये हमारी माँ बहनें बेटियाँ मोबाइल वाना निसार तौबा तौबा करने का जी चाहता है। जब जाओ जब मोबाइल पर बिजी है, क्या है मोबाइल पर? हमारा फेसबुक नापाक है, हमारा स्टेटस नापाक है, हमारा इंस्टाग्राम नापाक है, हमारा यूट्यूब बेकार है। मेरे प्यारों बस हम यानी माफ करना मेरी माँ बहनें बेटियां, मैं बहुत माफी चाहता हूँ, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। और जो मेरी माँ बहन इसमें नहीं है अल्लाह उनको हमेशा के लिए ये मोबाइल के गंदे कामों की लानत से दूर रखे, बोलो आमीन। लेकिन मेरे जो भाई और मेरे जो बड़े बड़े हजरात है या जो मेरी माँ बहनें बेटियां मोबाइल के गंदे काम में है, एक बात याद रखना, क्योंकि मोबाइल में जीना भी होता है, मोबाइल में चोरी होती है, मोबाइल में चुगली होती है, मोबाइल में गीबत होती है, मोबाइल में झूठ बोला जाता है, मोबाइल में ब्लैकमेल होता है, अरे मोबाइल में गंदी गंदी तस्वीरें देखते हैं, मोबाइल में एपिसोड पर एपिसोड देखा जाता है, मोबाइल पर नंगा पना होता है, मोबाइल की वजह से हमारे घर वाले नाराज होते हैं, मोबाइल की वजह से हमारी माँ का दिल दुखता है, मोबाइल की वजह से हमारे बाप का दिल दुखता है। और मेरे प्यारों एक बात याद रखना, मोबाइल में जो गुनाह होते हैं, अब मैं और हदीस सुना रहा हूँ, मोबाइल में जो गुनाह होते वो आपको मालूम है? शाबान की 13वीं तारीख, साथ में बोलो कौन सी तारीख? शाबान की 13वीं तारीख। क्या फरमाया हमारे नबी ने, क्या दुआ मांगी? शाबान की 13वीं तारीख और रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर देना, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर देना, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर देना। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा एक तिहाई उम्मत को माफ कर दिया, एक तिहाई उम्मत को, 35% समझो कम ज्यादा आपकी उम्मत को माफ कर दिया। अच्छा 14वीं शाबान को फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत को। खल्ला ने फरमाया एक तिहाई उम्मत और माफ कर दिया, यानी तकरीबन समझो कि 70% उम्मत क्या हो गई। अब 15वीं रात शबे बरात, शाबान शबे बरात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। अल्लाह ने बड़े प्यार से फरमाया मेरे मुस्तफ़ा रोना बंद कर दे, मैंने आपकी पूरी उम्मत को माफ़ कर दिया, बोलो मैंने आपकी पूरी उम्मत को। फिर अल्लाह ने फरमाया लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज शबे बरात में भी माफ़ नहीं करूँगा, अल्लाह ने कहा रमजान के दिन में भी माफ़ नहीं करूँगा, रमजान की रात में भी माफ़ नहीं करूँगा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया मौत के वक्त इनको कलमा भी नसीब नहीं होगा। अब आप देखिए मोबाइल में वो जो गुनाह हमारे नबी ने बताए हैं वो सब हमारे मोबाइल में नज़र आते, हमारे मोबाइल में जलन निकलती हमारे दिल की, बोलो निकलती नहीं निकलती? हमारे मोबाइल में चुगली और गीबत होती कि नहीं होती? हमारे मोबाइल में हमारी माँ और हमारे अब्बा नाराज़ होते कि नहीं होते? यानी ये मोबाइल की वजह से, आप बुरा ना मानना मेरे प्यारो, मैं हराम भी नहीं कहता, आपसे बहुत आजीसाना माफी मांगकर कहता हूं कि अगर हमारे मोबाइल में वो गुनाह होते गए जो अल्लाह ने शबे बरात में हमारे नबी को फरमाया कि अगर आपकी उम्मत ये गुनाह करेगी तो शबे बरात तो दूर की बात, शबे कदर दूर की बात, रमजान की रातें दूर की बात, इनको मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। और मोबाइल में वो गुनाह हो रहे हैं, मेरी माँ बहने बेटियाँ, मैं आपका भाई समझो कारी अहमद अली हाथ जोड़कर कहता हूँ मेरी माओ से बहनों से बेटियों से, कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी वक्त आए और अल्लाह हमको कलमे से महरूम कर दे, अल्लाह कलमे की दौलत हमसे छीन लेवे। मेरे प्यारों इस वक्त ईमान बचाना बहुत ज़रूरी है, ये मोबाइल नहीं है मेरे दोस्तों, ये ईमान खींचने का एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आया। वैसे मोबाइल जायज़ है, बोलो मोबाइल जायज़ है? आज तक किसी मुफ्ती ने मोबाइल को हराम नहीं, किसी मुफ्ती ने कहा कि मकरूह तहरीबी है नहीं, किसी मुफ्ती ने कहा मकरूह तंजीही है नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों जो फॉर्मेट हमने बनाया है, अगर ये मोबाइल में एजुकेशन होता, अगर ये मोबाइल सिर्फ तालीम और ताल्लुक के लिए होता, अगर ये मोबाइल में नज़में होती, अगर ये मोबाइल में नात होती, अगर ये मोबाइल में तकरीरें होती, आज का जो एजुकेशन है, डॉक्टर कैसे बनने का, इंजीनियर कैसे बनने का, लॉयर कैसे बनने का, बैरिस्टर कैसे बनने का, एक अच्छा माहिर कॉन्ट्रैक्टर कैसे बनने का, एक आर्किटेक्ट कैसे बनने का, ये मोबाइल हमको जन्नत में ले जाने वाला बनता। लेकिन हमारे मोबाइल में जीना नंगापना चोरी और हरामखोरी हरामकारी, हमारे मोबाइल में गंदा और नंगे से नंगा देखना, अल्लाह की कसम अगर मोबाइल का इस्तेमाल ऐसा है तो मौत के वक्त कलमे का भी कोई भरोसा नहीं है।
इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर बात खत्म करते हुए कह रहा हूँ कि एक मरतबा फिर सब लोग आ जाओ, बोलो मुस्तफा का दामन। कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफा का दामन। लेकिन मुस्तफा के दामन के लिए क्या जरूरी है? मोहब्बत। और मोहब्बत का मतलब क्या? हमारे नबी आगे। आवाज नहीं आ रही, बोलो हमारे नबी आगे। और हम आवाज से बोलो हमारे नबी आगे। और हम आखिरी बात बता रहा हूँ, सब करेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। एक काम कर लो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा, करेंगे। मैं कुरान की रोशनी में बताऊं आपको, बस इसी पर बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत पते की बात बता रहा हूँ, ये शैतान है ना, शैतान, बोलो कौन शैतान। इसने अल्लाह के सामने कसम खाई, ये कुरान में लिखा है, अल्लाह के सामने कसम खाई। क्या कसम खाई मालूम? अल्लाह तेरी कसम कि तेरे जितने कलमा पढ़ने वाले बंदे बंदियां है ना, मैं सबको भटका दूंगा। शैतान ने अल्लाह के सामने कसम खाई। और कसम कैसी? अल्लाह के सामने, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, अल्लाह ये जितने तेरे बंदे और बंदियां कलमा पढ़ने वाले ना सबको भटका दूंगा। और शैतान ने बताया भी कि अल्लाह कैसे भटकाऊंगा, कहा मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी टीम है, हम कभी सामने से आके इनको गुनाह करवाएंगे, कभी पीछे से आएंगे इनका दिमाग बनाएंगे और गुनाह करवाएंगे, कभी राइट से आएंगे और बोलो कभी लेफ्ट। यानी चारों तरफ से शैतान ने कहा अल्लाह तेरी कसम मैं पूरी टीम को लेकर आऊंगा और तेरे कलमा पढ़ने वाले जितने बंदे बंदियां सबको बर्बाद कर दूंगा। आगे से भी हमला होगा, बोलो पीछे से भी हमला होगा, दाएं से भी हमला होगा, बाएं से भी हमला होगा। अच्छा ये बात कुरान में लिखी है कि शैतान ने कसम खाई और अल्लाह को कहा सब कलमा पढ़ने वाले को बर्बाद और तबाह कर दूंगा और सबको जहन्नम के हवाले कर दूंगा। कुरान में लिखा है أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. شيطان نے کہا اللہ تیری قسم میں میری پوری ٹیم کے ساتھ تیرے کلمہ پڑھنے والے بندے بندیوں کو جہنم کے حوالے کر دوں گا، آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا، تیرے ایک ایک بندے کو جہنم میں بھیجوں گا۔ मालूम है शैतान तो ये बोलकर चला गया, वो फरिश्ते जो थे ना वो अल्लाह को कहने लगे अल्लाह तेरे बंदे तो सब जहन्नम में जाएंगे क्योंकि ये चारों तरफ से हमला करेगा, जो तेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे तो बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने क्या फरमाया? पागल है। क्या फरमाया? पागल है। दो जगह तो छोड़ दिया। अरे बोलो दो जगह, कौन कौन सी जगह छोड़ दिया? नीचे और ऊपर, दो जगह छोड़ दिया। अल्लाह ने कहा अब मैं कसम खाता हूं, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, वो आगे से हमला करेगा ना, पीछे से हमला करेगा, वो दाएं से मेरे बंदे को भटकाएगा, वो बाएं से मेरे बंदे को जहन्नम में पहुंचाएगा। अल्लाह कहते पागल है, दो जगह छोड़ दिया, नीचे वाली जगह छोड़ दिया, ऊपर वाली जगह छोड़ दिया। अब अल्लाह कहते मैं इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरा बंदा अपनी पेशानी को जमीन पर टेकेगा और नमाज पढ़ेगा, नीचे वाली जगह को पूर करेगा और हाथ उठाकर तौबा करके ऊपर वाली जगह को पूर करेगा। अल्लाह कहते मेरी इज्जत की कसम वो भटकाता जाएगा, मैं सीधा रास्ता बताता जाऊंगा और मरने से पहले कलमे का फैसला करके बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दूंगा।